और मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से रोशनियों का शहर कराची अंधेरों में डूबा हुआ है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा किन इलाकों में अब बिजली बहाल हुई है और क्या सूरत हाल है, के इलेक्ट्रिक क्या बता रहा है? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें कि सुबह तकरीबन 9:15 के बाद से जो है ये मामला पैदा हुआ था, जिसमें पूरा सिंध तरीके में डूब गया, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाके जो है वो तरीके में डूब गए थे। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा तो किया जा रहा है कि वक्फे से कुछ इलाकों में जो है वो बिजली बहाल की जा रही है, लेकिन हमें अभी तक कहीं से कोई इत्तला ऐसी मौसूल नहीं हुई कि कहीं किसी इलाके के अंदर जो है वो बिजली जो है बहाल हुई हो। लेकिन इस वक्त तक भी जो है कराची तकरीबन 70% से ज़ायद जो कराची है वो इस वक्त भी तारीकी में डूबा हुआ है, कहीं पर भी बिजली मौजूद नहीं है। और मुख्तलिफ इलाकों में नाथ नाजमाबाद, कुरंगी, लांडी, मलीर और मुख्तलिफ इलाके हैं डिफेंस, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर के इलाके में और ये मैं शहीन कम्प्लेक्स पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी बिल्कुल बिजली नहीं है। हमारी जिससे भी बात होती है वो यही हमें बता रहा है कि सुबह से जो है यहाँ पर बिजली बहाल नहीं हुई। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कुछ इलाकों कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई है। सलाहुद्दीन अली हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।